मैं पता नहीं रेडियो में आना मेरा कभी कोई सपना नहीं था। संयोग ऐसा बना के मैं रेडियो में आया। और आप ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इन दोनों प्रोग्राम के पहले पहले एपिसोड करे। वो एक्सपीरियंस आपका कैसे रहा, क्योंकि पहली बार आकाशवाणी कुछ ऐसा करने को सोच ये रहा था शायद आप? ने मुझे जंक्शन से पकड़ लिया, मैं तो जी, मूल स्टेशन से शुरू हो पर जाता। जैसे आज भी तमाम ऐसे प्राइवेट चैनल रेडियो स्टेशन हैं जिनको न्यूज़ बुलेटिन प्रसारण करने की अनुमति नहीं है। वो सरकार की नीति और नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वाईएमसी संचार की खास सीरीज तजुर्बा में, और तजुर्बा में हमारे आज के मेहमान हैं राजेंद्र चुग। राजेंद्र चुग के तजुर्बे की बात करें तो जलंधर के एक छोटे से मोहल्ले में से निकला एक लड़का जिसने 33 साल ऑल इंडिया रेडियो में दिए हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्ते सर। सर, जलंधर से लेकर दिल्ली के AIR तक आपने 33 साल का तजुर्बा सफर तय करा। मेरे दोस्त, आपने मेरी जर्नी आधे से पकड़ ली। ओह आपने मुझे जंक्शन से पकड़ लिया, मैं तो जी मूल स्टेशन से शुरू हो जाता। जी बताइए कैसे कैसा था आपका तजुर्बा? जालंधर जिले का एक सतलुज? छोटा सा गांव था सतलुज के किनारे, जहां से जो मेरी बचपन की याद है, जहाँ से मेरी याददाश्त शुरू हुई यूँ कहिए। मेरी उम्र 7 साल की थी जब हमारी फैमिली उस गांव में शिफ्ट कर गई थी, तो वहीं से मुझे कुछ धुंधली सी चीज़ें याद हैं, क्योंकि मेरी स्कूलिंग उस गांव से हुई। और वो गांव भी अपने आप में अब तो इंटरनेशनल फेम का गांव बन गया है, क्योंकि मैं उस गांव को बिलोंग करता हूँ जिस गांव से निकलकर पूरन शाह कोटी, उस्ताद पूरन शाह कोटी बन गए, फिर उनके शागिर्द बने हंसराज हंस, और उनके बेटे मास्टर सलीम के तौर पर भारत को एक ऐसा गायक मिला जिस पर सब लोग अब नाज करते हैं। तो मैं गांव शाहकोट का रहने वाला हूँ, और किसी ज़माने में जो पूरन शाह कोटी का मकान हुआ करता था वो उसी गली में था जिस गली में आज हमारा मकान है। यानी किसी ज़माने में उस्ताद पूरन शाह कोटी का मैं पड़ोसी भी रहा हूँ। तो ये छोटी सी याद है उस गांव के साथ जुड़ी हुई। सिंपली ये कि वो सतलुज के किनारे पर बसा हुआ गांव है। हमारे घर से सतलुज की धारा जो है वो लगभग 3 किलोमीटर थी। मैं गांव से निकला हूँ स्कूल पास करके 1968 में, रेडियो में आया हूँ 1974 में। तो गांव से जलंधर तक की यात्रा पूरी करने में मुझे समझिए कि 6 बरस लग गए। तो रेडियो में मेरी सिलेक्शन हुई है अगस्त 1974 में, 79 सितंबर तक मैंने आकाशवाणी जालंधर में एक प्रोग्राम अनाउंसर के तौर पर काम किया। फिर मेरा चयन हुआ हिंदी न्यूज़ रूम, न्यूज़ सर्विसेज डिवीज़न ऑल इंडिया रेडियो के लिए। तो फिर मेरी जालंधर से नई दिल्ली तक की यात्रा हुई, और वो सफ़र ख़त्म हुआ सितंबर 2012 में, जब मैं वहाँ से रिटायर हुआ हिंदी न्यूज़ रूम से मुख्य समाचार वाचक के अहदे से। मैं जलंधर में आता हूँ जब आपने एज ए अनाउंसर ज्वाइन किया था, और एज ए अनाउंसर ज्वाइन करने के 9 दिन बाद ही आपको एक बहुत बड़ा काम आपके मुख्य ओह मुख्य संपादक आपको पकड़ा देते हैं कि आपको वहाँ के तब के CM जामी ज़ैल सिंह जी का इंटरव्यू लेना था। क्या ये वो पल था आपके बड़े लिए? संयोग की बात है। मैं 9 दिन का बच्चा जी था रेडियो में, मुझे अभी तक याद है 6 अगस्त को मेरा वॉइस टेस्ट और इंटरव्यू हुआ। और मुझे तब ये जानकारी तो थी कि इस बार का स्वाधीनता दिवस का समारोह यानी 15 अगस्त को जालंधर में होने वाला है, और मुख्यमंत्री उस फंक्शन में आने वाले हैं। लेकिन मेरे स्टेशन डायरेक्टर ने कहा कि आप चूंकि इस परिवार के नए सदस्य हैं, इसलिए इस बार स्वाधीनता दिवस पर मुख्यमंत्री के साथ बातचीत करने का मौका भी आपको दिया जाएगा। तो 9 दिन बाद ही, यानी 6 अगस्त को मैं सेलेक्ट होता हूँ, और 15 अगस्त को उन्होंने मुख्यमंत्री जी के आगे मुझे बिठा दिया युववाणी प्रोग्राम में कि आप युवकों को लेकर
मुख्यमंत्री जी के साथ बातचीत करो, तो मेरी पहली बड़ी असाइनमेंट मुझे तब मिली मुख्यमंत्री के साथ बातचीत करने की जब मुझे रेडियो में आए सिर्फ 9 दिन हुए थे। जब आप दिल्ली आकाशवाणी में आए तो उसके बाद आकाशवाणी दिल्ली ने नए एक्सपेरिमेंट करना शुरू करा, चाहे वो सन 1991 में पहला एंकर बेस्ड बुलेटिन की बात हो या फिर सन 1999 में एनालिसिस करके जो अपने न्यूज़ प्रोग्राम शुरू करे उसकी बात हो कि इलेक्शन के न्यूज़ एनालिसिस करे जाएंगे, डिबेट्स करी जाएंगी उसके ऊपर। आप ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इन दोनों प्रोग्राम के पहले पहले एपिसोड करे, वो एक्सपीरियंस आपका कैसे रहा, क्योंकि पहली बार आकाशवाणी कुछ ऐसा करने को सोच रहा था। शायद लोग कहते हैं कि हमारे हाथ में भाग्य की रेखाएं हैं जी। मुझे लगता है कि मेरे हाथ में रेडियो बना हुआ है जी। मैं पता नहीं, रेडियो में आना मेरा कभी कोई सपना नहीं था, संयोग ऐसा बना कि मैं रेडियो में आया और रेडियो के कुछ ऐसे क्षणों के साथ मुझे जुड़ने का मौका मिला जिनमें से दो का जिक्र आपने किया। ये मुझे अच्छी तरह से याद है, ये 16 अगस्त 1991 की बात है जब आकाशवाणी से समाचार वाचकों का दौर शुरू हुआ और न्यूज़ एंकर्स का दौर शुरू हुआ। पहले कोई भी बुलेटिन रात के बुलेटिन को छोड़कर 10 मिनट 5 मिनट का हुआ करता था, रात वाला बुलेटिन तब भी 15 मिनट का था, शायद आज भी शाम को 8:45 का जो बुलेटिन आता है वो भी 15 मिनट का ही है। तो वो सब न्यूज़ रीडर्स पढ़ते थे, स्क्रिप्ट बनती थी, समाचार संपादक बुलेटिन तैयार करता था, उनको स्टूडियो में पहुंचा दिया जाता था, तो समाचार वाचक बड़ी अच्छी तरीके से उसकी प्रस्तुति करके नाम कमाते थे। और वो दौर था जब आकाशवाणी में देवकी नंदन पांडे, अशोक वाजपेयी और विनोद कश्यप जैसी हस्तियां समाचार वाचक के तौर पर काम करती थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड, सभी अच्छी चीज़ें किसी न किसी दिन अपने अंत को मिलती हैं। तो 16 अगस्त 1991 को आकाशवाणी ने अपने सभी बुलेटिन्स का कायाकल्प कर दिया, मैं तो उसे काया पलट कहूँगा। वो जो 10 मिनट का बुलेटिन होता था वो 15 मिनट का हुआ और दोपहर का बुलेटिन बाद में कुछ देर आधे घंटे का भी हुआ। उन बुलेटिन्स का नाम रखा गया, उनकी सिग्नेचर ट्यून बनाई गई और जो बुलेटिन पहले समाचार वाचक सीधे सीधे पढ़ के स्टूडियो में आते थे, स्टूडियो से चले जाते थे, उनको अब एक न्यूज़ एंकर प्रस्तुत करने लगा। मैं इसे अपना सौभाग्य कहूँगा कि पहले दिन पहला बुलेटिन एंकर करने का अवसर मुझे दिया गया। और इस बहाने वो जो पहली घटना थी जो अब ऑल इंडिया रेडियो का एक हिस्ट्री का अंग मानी जाती है, उसमें उसके साथ मेरा नाम जुड़ा। और दूसरा जो आपने बताया वो भी एक एक्सपेरिमेंट था, 1999 में आकाशवाणी ने पहली बार एक ऐसा प्रयोग किया, अगेन जो कि इतिहास की बात हो गई है अब, कि जब लोकसभा चुनावों के परिणाम और लोकसभा चुनावों का विश्लेषण जिसमें राजनीतिक दल भी शामिल थे, वरिष्ठ पत्रकार शामिल थे, वरिष्ठ राजनीतिक नेता शामिल थे और दूसरे जो लोग जो राजनीति के चुनावों की प्रक्रिया के चुनावों का वो जो सारा करिश्मा होता है, जो जादूगरी होती है, उसके साथ जुड़े होते थे, वो लोग बाकायदा स्टूडियो में आए। 3 एंकर्स का मूलतः ये जिम्मा लगाया गया कि 36 घंटे रेडियो चलेगा और 12-12 घंटे की शिफ्ट ये करेंगे। बाद में कुछ और लोग उसमें ज्वाइन कर गए तो काम का बोझ उन्होंने आपस में बांट लिया, लेकिन मुझे 6 घंटे की पारी एक बार निभाने को मिली। तो मुझे फिर इस बात की खुशी हुई कि उसका ओपनिंग बैट्समैन भी मैं रहा। लेकिन इसी तरह से एक और चीज़ जिसके साथ मुझे लगता है कि फिर ऑल इंडिया रेडियो ने एक इतिहास जोड़ा, वो था सन 2000 का आगमन।
एक सहस्राब्दी बदल रही थी, 19वीं 20वीं शताब्दी समाप्त हो रही थी, यानी 1999 समाप्त हो रहा था और 21वीं शताब्दी का उदय हो रहा था, सन 2000 निकल रहा था। और उस नए सहस्राब्दी के सूर्य की पहली किरण अंडमान निकोबार के कछाल द्वीप में पड़नी थी। इस पर एक प्रस्ताव आया वॉइस ऑफ अमेरिका की तरफ से कि हम इस पर एक विशेष कार्यक्रम करना चाहते हैं। ये एक इंटरनेशनल रेडियो ब्रिज होगा जिसमें वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क तो शामिल होंगे ही, कनाडा का टोरंटो स्टेशन भी शामिल होगा कनाडा ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की तरफ से। और चूंकि ये कछार में पहली किरण पड़ेगी सूर्य की, भारत में सूर्योदय हो रहा है सन 2000 का, तो आकाशवाणी भी उसमें शामिल होगा। तो वो इंटरनेशनल रेडियो ब्रिज जो 1 जनवरी सन 2000 को भारत की तरफ से ऑल इंडिया रेडियो के प्रतिनिधि के तौर पर मुझे शामिल करके हुआ, मैं समझता हूँ कि एक ही इंटरनेशनल ब्रिज मेरी याददाश्त में ऑल इंडिया रेडियो ने किया है और उसमें आपके मित्र ने सहयोग दिया कि 2001 का सन 2000 का स्वागत 1 जनवरी को करने का मौका मिला मुझे। जितनी आपने बातें बताई कि जब जब आकाशवाणी ने एक्सपेरिमेंट करे तो आपको उसमें काम करने का मौका मिला, आपकी मेहनत और आपका तजुर्बा तो साथ था ही, आपको लगता है आपका भाग्य ने भी आपका साथ दिया? क्योंकि जब आपने एज अ रेडियो अनाउंसर की मतलब आकाशवाणी में जब आप थे तो आपने KR नारायण जो कि राष्ट्रपति रह चुके हैं, APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति रह चुके हैं, आपने उनके भाषणों का भी अनुवाद करा है और साथ में जब बराक ओबामा भारत आए थे तो वो प्रोग्राम भी आप ही ने कवर करा है। यहाँ मैं थोड़ा सा तथ्यों को सुधारना चाहूँगा। ये भारत की स्वाधीनता के स्वर्ण जयंती समारोह की बात है, यानी 1997 में 50 साल जब पूरे हुए हैं देश की आज़ादी को, तो राष्ट्रपति भवन से सूचना मिलने पर एक नए व्यक्ति को भेजा जाना था राष्ट्रपति जी के हिंदी भाषण के पाठन के लिए। अगेन मैं ये कहूँगा कि ये फिर शायद ये मेरा सौभाग्य ही था कि 5 साल राष्ट्रपति KR नारायणन के लिए जी और 5 साल डॉक्टर अब्दुल कलाम के लिए उनके हिंदी स्वर का दायित्व मैंने निभाया। 10 साल इस देश ने राष्ट्रपति के भाषण का हिंदी अनुवाद मेरी आवाज़ में सुना और मैं समझता हूँ कि ये एक ब्रॉडकास्टर का सपना ही होता है कि आप स्वाधीनता दिवस की संध्या पर और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अगर राष्ट्रपति जी के पीछे खड़े हैं उनकी हिंदी आवाज़ बनकर, तो ये सचमुच में ऐसा क्षण है जो मेरी स्मृति में हमेशा बना रहेगा। हम जैसी बात करते हैं कि रेडियो, TV, न्यूज़पेपर, ये तीनों अलग अलग कार्यप्रणाली हैं, तो इनके जो न्यूज़ रूम होते हैं क्या फ़र्क होता है एक रेडियो के न्यूज़ रूम में, TV के न्यूज़ रूम में और अखबार के न्यूज़ रूम में, अगर आप बता सकें तो? देखिए, ये तीनों न्यूज़ रूम अलग अलग हैं जी, इसलिए कि इन तीनों का माध्यम अलग है। रेडियो का न्यूज़ रूम इसलिए अलग है कि उसका माध्यम, अगर अखबार का माध्यम ब्रॉडशीट है, TV का माध्यम स्क्रीन है, तो रेडियो का माध्यम हवा है, आवाज़। इसलिए रेडियो अपनी आवाज़ से वो माहौल पैदा करता है, वो तेज़ी दिखाता है जो शायद अखबार से, टेलीविज़न से, और अब जबकि टेलीविज़न 24 घंटे का प्रसारण हो गया तो भी रेडियो जैसी तेज़ी, रेडियो जैसी उपयोगिता, रेडियो जैसी स्पष्टता और रेडियो जैसी दूर तक मार संभव नहीं है। इस मामले में रेडियो बाजी ले जाता है सबसे। लेकिन अब चूंकि हम ऐप जर्नलिज्म, वेब जर्नलिज्म के दौर से गुजर रहे हैं, तो रेडियो का भी अपना एक ऐप है, मतलब ऑल इंडिया रेडियो का,
जिसमें आप खबरों को देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। और अखबार का भी एक ऐसा ऐप है जहां पर आप खबरों को देख सकते हैं और टीवी के एंकर की तरह सुन भी सकते हैं। और अब बहुत से टीवी न्यूज़ नेटवर्क रेडियो भी चलाने लगे हैं। उसमें एक संगठन वो भी है जो क्लेम करता है कि मैं देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज़ चैनल हूँ, वो रेडियो भी चलाते हैं। तो अब रेडियो, टीवी और अखबार कहाँ समाप्त होते हैं, कहाँ तीनों का विलय होता है, संगम की धारा में बहने लगते हैं, वो ये जानना बहुत मुश्किल है। अब ये तीनों मीडिया त्रिदेव हो गए हैं जी। और वो मीडिया तीनों धाराओं में सम्मिलित होकर आपकी पॉकेट में आ गया है। आपकी जेब में पड़ा हुआ स्मार्टफोन अखबार को सुनवाता भी है, दिखवाता भी है, और रेडियो को दिखवाता भी और पढ़वाता भी है। और आप उसी स्मार्टफोन से किसी भी टीवी के न्यूज़ वर्क को देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं जी। सर आज रेडियो को हम शतक हो चुकी है, रेडियो की शताब्दी हम मनाने लगे हैं। आज भी आकाशवाणी एकमात्र ऐसा रेडियो स्टेशन है जो कि बुलेटिन का प्रसारण करता है, प्राइवेट चैनलों को अभी भी इसकी अनुमति नहीं है। इसके पीछे के आप कारण क्या मानते हैं, या आने वाले समय में ऐसा होना चाहिए? मैं इसके लिए अगेन इसको मैं अर्ध सत्य कहूंगा, क्योंकि अगर आप न्यूज ऑन AIR का ऐप देखेंगे जी, तो आकाशवाणी ने नई टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाकर ये बहुत बड़ी छलांग लगाई है। और ये जो ऐप है आपके स्मार्टफोन में इस तरीके की सूचनाएं लेकर आ रहा है कि उसमें प्रसार भारती न्यूज़ सर्विस के ज़रिए आपको उसमें विजुअल्स मिल रहे हैं और भारत की सभी प्रमुख भाषाओं के बुलेटिन सुनने को भी मिल रहे हैं इसी ऐप के ज़रिए। तो अब आपको रेडियो सुनने के लिए या आकाशवाणी का कोई बुलेटिन सुनने के लिए रेडियो अपनी पॉकेट में या रेडियो अपनी घर की टेबल पर रखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके स्मार्टफोन पे मौजूद है। बट जैसे आज भी तमाम ऐसे प्राइवेट चैनल रेडियो स्टेशन है जिनको न्यूज़ बुलेटिन प्रसारण करने की अनुमति नहीं है। वो सरकार की नीति है, और मैं समझता हूँ कि अगर जिस तरीके का अनुभव हमारा प्राइवेट टीवी न्यूज़ चैनल्स को देखकर हुआ है, अगर अभी तक ये विषय रेडियो में निजी खिलाड़ियों के मैदान में नहीं डाला गया है, तो ज़रूर इसके पीछे कोई ठोस तर्क रहे होंगे। मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि जैसे टीवी का मैदान खुला है, रेडियो का मैदान भी खुलना चाहिए। लेकिन जो टीवी के मैदान में हमें देखने को मिला, अगर वही चीज़ हमें रेडियो के मैदान में देखने को मिला, उससे मुझे डर लगता है जी। मेरी अपनी आशंकाएं हैं, अगर उनके निवारण की कोई संभावना मुझे दिखाई दे तो रेडियो के लिए ये दरवाज़ा खोलने में हर्ज तो कोई नहीं, बाकी देखो। हम साल 2012 की तरफ आते हैं, जब आपके रिटायरमेंट की तैयारी चल रही थी, तो आपको एक आपके हायर ऑफिसर्स ने आपको एक काम सौंपा कि अब आप ब्रॉडकास्टिंग की साइड छोड़कर अपने कैबिन में आइए और जितना भी आपने तजुर्बा अपना इस रेडियो इंडस्ट्री में देखा उसको एक बुक के अंदर लिखिए। क्या वो दौर था? फिर जब वो बुक पब्लिश हुई तो आपको उसमें इनाम भी मिला गया, वो दौर एक बार आप हमें बताइए। नहीं, वो मेरे जो रिटायरमेंट का अंतिम वर्ष था 2012, उसके लिए मुझे 9 महीने ही समझ लीजिए, जनवरी से लेकर सितंबर तक उस पुस्तक पे काम करने का मौका मिला, जिसे बाद में समाचार निर्देशिका के नाम से प्रकाशित भी किया गया। हिंदी न्यूज़ रूम की तरफ से वो पहली कोशिश थी इस तरीके से कि आपके पास, आपके हाथ में एक ऐसा मैनुअल आ गया था जिसमें इस बात की सभी जानकारियाँ थीं कि एक न्यूज़ रूम में, यानी रेडियो के न्यूज़ रूम में आपको किस तरीके से काम करना है, यानी एक संपादक कैसे काम करेगा, एक संवाददाता कैसे काम करेगा, एक न्यूज़ रीडर कैसे काम करेगा, एक न्यूज़ एंकर कैसे काम करेगा, स्पेशल बुलेटिन्स कैसे होंगे, भाषा कैसे इस्तेमाल की जाएगी उसमें, नियमों का पालन कैसे किया जाएगा, कौन कौन सी चीज़ में कैसे कैसे मानदंड उनका पालन किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पत्रकारिता की पुस्तकों में बहुत कम मिलता है जी,
आपदाओं से निपटने के लिए किस तरीके के प्रयास एक पत्रकार कर सकता है या करने चाहिए, उसके बारे में भी एक अध्याय उस पुस्तक में है। और मुझे इस बात को बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि 11 मार्च 2011 को जापान में जो भयंकर सुनामी आई थी, जिसकी वजह से फुकुशिमा का परमाणु बिजली घर बहुत खतरे में आ गया था, और अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले की ही बात है, उसको दोबारा से शुरू करने की कोशिश की गई थी लेकिन फिर किसी अड़चन की वजह से उसे बंद करना पड़ा। उसमें बचाव कार्य के लिए जब भारत से मदद मांगी गई तो जो भारतीय विशेषज्ञों का दल जिस कमांडेंट के नेतृत्व में वहाँ पर गया, मुझे उनसे बातचीत करने का मौका मिला और उन्होंने वो चैप्टर तैयार करने में मेरी बहुत बड़ी मदद की। इस पुस्तक में उनकी एक फ़ोटो भी है जी। आप देखेंगे उस पुस्तक को तो वो तस्वीर देखकर आपको कम से कम इतना अंदाज़ा तो होगा कि भारत जब अपनी विशेषज्ञ के रूप में किसी देश को सहायता प्रदान करता है तो फिर वो किस स्तर की होती है जी। अंत में सर आपसे यही सवाल कि अपने 33 साल के तजुर्बे में से अगर आप हम सब मीडिया विद्यार्थी जो आगे इस फील्ड में जाने की तैयारी कर रहे हैं, रेडियो में जाने की तैयारी कर रहे हैं, उन सबको कोई सलाह अगर आप देना चाहेंगे तो आपकी क्या सलाह होगी? लगन का कोई विकल्प नहीं जी। परिश्रम के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। और अगर आपको ये पता है कि आपके इर्द गिर्द घर से लेकर बाहर तक, देश प्रदेश से लेकर विदेश तक क्या हो रहा है, अगर आपका इसके बारे में ज्ञान पूरा है, भाषा पर आपकी पकड़ अच्छी है और ईश्वर ने आपको अच्छी आवाज़ दी है कृपा करके, तो मैं समझता हूँ कि आप रेडियो और टेलीविज़न में बहुत अच्छे पत्रकार बन सकते हैं। और अगर आपकी ट्रेनिंग होती है रेडियो के न्यूज़ रूम में जी, तो रेडियो का एक अच्छा सीखा हुआ पत्रकार न सिर्फ टीवी में बल्कि अखबार में जाकर भी बहुत अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि ये जो बुनियाद पैदा कर देता है रेडियो न्यूज़ के मामले में एक पत्रकार के अंदर, वो कोई दूसरा स्कूल पैदा नहीं कर सकता। रेडियो इतनी अच्छी और इतनी बढ़िया पाठशाला है पत्रकारिता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती समय में देने के लिए। तजुर्बा में आपको ऐसे ही शख्सियतों से मिलाते रहेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।